लेकिन आज आप लेट आए हो कसम, मुझे बोला था डीडीसी साहब के सामने, हमारे जो डीएसपी साहब आए हैं, ऑफिसर आए हैं किश्तवाड़ से, और उनके सामने अपनी प्रॉब्लमें रखें, इसको हम सुनेंगे और साहब हम उस पर हम बाकी यहाँ पे आए हुए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पे वेलकम है, स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछला यहाँ पे थाना दिवस हुआ था, जो चीज़ें यहाँ पिछले बार उभारी गई थी, तो हम या कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये थाना दिवस मात्र थाना दिवस ही होगा, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक दिवस रोज होते हैं। तो मसले रखते हैं, वो सिर्फ कह देते हैं और बाद में हल कुछ नहीं होता है। डीडीसी साहब ने बड़ी हमारी मदद की, हमारे डीसी साहब ने मदद की, उस पर पैसा खर्च किया गया, बस स्टैंड बनाया गया। यहाँ कोई वाली वारिस नहीं है, मैंने पहले भी कहा था जनाब कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सारा कुछ जेकेपी पुलिस ही करती है, सभी ड्राइवरों के प्रॉपर बोलना तो बड़ा कुछ आता है, मगर मेरा एक ही फोकस रहेगा, वो है सर हायर सेकेंडरी की। हम चाहते हैं थोड़ा सा पुलिस वहाँ आकर उसे, मैं विदा होता हूँ। जय जय। यहाँ के नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, बहुत अच्छा लगता है कि हर बार यहाँ थाना दिवस, और मैं कहता हूँ ये तारीख की सबसे बड़े अहम कड़ी है। यहाँ उभारे जाते हैं, अमली तौर पर उन पर कार्रवाई ना के बराबर, जैसी पिछली बार भी सरपंच साहब ने गाड़ियाँ खड़ा है, जो फुटपाथ है वहाँ लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके रखी है। हम कितने खुश नसीब है कि गुलाब घर के इस बहुत बड़े मैदान के अंदर डिस्कशन हुई थी। मैंने जनाब वाला के नोटिस में लाया था कि सजार जो है, सजार पोस्ट पर स्ट्रेंथ की कमी है, वहां से रोटेशन को ख़त्म किया जाए पर जाने का की तैयारी हो रही है। मैं जनाबों के नोटिस में ये लाऊं कि 2001 में वही कारण था, वहां हम पेट्रोलिंग करती थी ताकि ऐसी कोई घास उस पर लड़ाई ना हो, ताकि उनके जो अक्स जो हैं के माध्यम से है, बाकी सिस्टम पुलिस के माध्यम से जो है अच्छा कोऑपरेट मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई भी शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक दिवस पर ये काम अगर एक बार ना हो, दो बार, बारह बार हमने साल में मिलना है, और इस बारह बार हम अपने काम को इस बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आज फिर दूसरी बार ब्लॉक दिवस करने का नशा अभियान चलाया है। ये नशा अभियान हमने इसलिए चलाया है, जैसे कि देसी शराब बनती है उसमें धान की जो जड़ होती है उसको मिलावट करते हैं, खाद मिलावट करते हैं, गांव तक पहुंचाना है। जैसे कि परसों हम हायर सेकेंडरी की बात करेंगे, दसवीं क्लास में एक बेटा पढ़ता था, वो भी किसी का बेटा था, उसके बैग में जैसे कि हमारी लगाना चाहते हैं चुका है, और काफी ज्यादा आपस में तालमेल के जरिए हर काम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर समस्या ये है कि जब हम इस प्रॉपर गुलाबगढ़ में इस चीज का सुधार हुआ, गाड़ियों का डिसिप्लिन, चाहे किसी शराबी का, कल हमने देखा यहाँ तो कहीं ना कहीं हमको एक पावर का इस्तेमाल करना है, अपने वर्दी का इस्तेमाल करना है। अगर जो भी बंद है वहाँ पे हमारे टोली में, तो माफी चाहूंगा, कम समय में इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कि ये जो थाना दिवस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये ठीक वक्त और ठीक तरीके से इसका इनका करने का श्रेय हासिल किया जा रहा है, तो लेकिन क्योंकि अभी हमारे साथियों ने कुछ ऐसे लोकात उभारे कि इन दिवसों का या इन मीटिंगों का इनका जो है पब्लिक की ग्रीवेंसी की सुनाई दे, वहाँ भी उनको ये पता चले कि जैसे पुलिस किश्तवाड़ जो है वो पार्डर में इस तरह से कामयाबी के साथ, इस तरह अच्छी तरीके के साथ जो है पब्लिक का उसमें जो तैयारी पोस्ट है उसमें सिर्फ कंडा लगा के रखा है, आ रहा है जा रहा है, उसमें ये नहीं कि कौन जा रहा है। कभी कभी क्या अवसर जो है ये पूरे पंचायत में भी होगा, तो ये हमने पहले भी विकास आरोप आज मेरे सभी साथियों ने बोल दिया जो बोलना था। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर सिर्फ यही दोहराना चाहता हूँ कि जो मसला चला है पार्डर में, हम 20 हूँ
उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और ये ठेका जो है हमारी साइड जो खोलने का प्रोग्राम इन्होंने रखा है, मैं डीसी कौंसल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारा ठेका जो है वहाँ पर बिल्कुल न खुले, और खासकर हमारी करथई तथापानी के नीचे वो ठेका न खुले। खराब ठेका हमने हमारे गांव के लिए रखे, हमारे एरिया के लिए रख लिया। ये हम पहली बार देख रहे हैं। आप जिस प्रकार से पहले आम जनता को पुलिस से डर रहता था कि नहीं जी पुलिस वाला देखा तो बंदा छुप गया, तो जिस प्रकार से पुलिस ये कार्य कर रही है कि सोसाइटी के साथ तालमेल बिठाना, सोसाइटी के साथ विश्वास बहाली कर चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए ताकि इस प्रकार के अनासिर जो हैं जो माहौल खराब करते हैं इलाके का, देश का, तो उन बंदों को वो पुलिस को देख के छुप जाने चाहिए। पाटर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब पुलिस और जनता के साथ, जनता में अच्छा विश्वास बहाली होगी। और हमारे सारे बुद्धिजीवी जो यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने अपने अपने हिसाब से पाटर क्षेत्र में जो भी है, और ग्रिप के जवानों ने और वहाँ के लोकल लोगों में तैयारी, और जब यहाँ कसौटी का पुल चला गया था कम से कम 300-400 लोग वहाँ फंसे हुए थे। आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, हमारी सरकार में आपको बराबर मिलेगा। उसके बाद सरकार यहाँ घबराना नहीं, कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इस ऊपर वाले को, इस पृथ्वी माता को हाजिर नाजर रख के आप लोगों ने ईमानदारी से काम करना है, बाकी लोग आपके पीछे क्या बोलते हैं। यहाँ पर थाना दिवस मनाया गया, और मैं SSP साहब को और DSP साहब को और यहाँ पर SHO साहब को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से ये पुलिस दिवस हर महीने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पिछले महीने भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किया था, तो मैं बधाई देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो SSP साहब हैं, यहाँ के SHO साहब, DSP साहब, जिस प्रकार से हर कम्युनिटी, हर पार्टी के लोग यहाँ पर उन्होंने बुलाए और उनके साथ विश्वास बहाली का जो ये कदम वो बढ़ा रहे हैं, इससे पूरे इलाके में एक पॉजिटिव वेव जाएगी, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से पुलिस से पहले ये डर रहता था कि नहीं पुलिस आएगी पता नहीं क्या कर लेगी, लेकिन आज वो समय नहीं रहा। हाँ, पुलिस का डर होना चाहिए चोर उचक्कों को, बदमाशों को और स्मगलरों को, पुलिस से डर होना चाहिए, लेकिन जो आम आदमी, जो शरीफ आदमी है, जो इस देश का सच्चा देशभक्त आदमी है, और खास करके नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, पुलिस को देखते उनके कॉलर खड़े हो जाने चाहिए। और इसी प्रकार से विश्वास बहाली का कार्यक्रम जो है, पुलिस दिवस जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में जिस प्रकार से SSP साहब और पुलिस यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में और खासकर हमारे पार्डर में काम कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पार्डर में इन फ्यूचर भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, और पुलिस जो है वो शाना बशाना सोसाइटी के साथ रहेगी। और मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से इनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सोसाइटी भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हर मजहब, हर पार्टी, हर सोसाइटी के लोग और नौजवान यहाँ पर पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। सबसे पहले मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी कोई ब्लॉक दिवस होते हैं या बॉर्डर पे किसी किस्म की कोई घटना होती है, आपने हमारा शाना बशाना साथ दिया और हर जगह आप पहुंच जाते हैं। अगर मौके पे नहीं भी होंगे फिर भी हम जो कमेंट्स करते हैं उसको हम आपको शाम को न्यूज़ वगैरह दे देते हैं, उसको आप बराबर मीडिया में डाल देते हैं। और मैं सबसे पहले आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। आज जो थाना दिवस था ये दूसरी बार इलाका बॉर्डर में हो रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में जब ये चीज़ें आती हैं तो पुलिस से पब्लिक को भी प्रेम हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन लोगों के बीच में डर वगैरह, डर खोप रहता है, उनका डर निकल जाता है, क्योंकि पुलिस के आगे पब्लिक को खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ रही जो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर SP साहब हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ DSP साहब हैं, SHO साहब हैं, और बहुत सारा स्टाफ है, जब भी हमें जब जब ज़रूरत पड़ती है, मैंने अभी भी आज इस
थाना दिवस में बताया कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे पिछले डेढ़ महीना पहले यहाँ एक मशीन चटो रोड में काम लगा था, जब वो दरिया में क्रॉस करा रहे थे, क्योंकि चटो शायद जेसीपी नहीं थी, वहाँ एक जेसीपी थी, उल्ट हो गई थी वो, लेकिन दूसरी जब क्रॉस करा रहे थे, बीच में मेरे नौजवान जो उसका जो ड्राइवर और उसका मतलब स्पोर्ट्समैन था, उसकी मदद करता था, वो दोनों दरिया के बीच में फंस गए। आर्मी के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने दिन रात करके एक 8 घंटे का ऑपरेशन किया, उसमें मैं भी था, चटो के मेरे नौजवान लोग थे, तैयारी के थे, जिन्होंने 8 घंटे ऑपरेशन करके निकाला। ऐसे हमारे एक चसोती पुल आता है जिसको हम लोकल में पाड़ी में ठेंगड़ी बोलते हैं, वो बह गई थी, और कम से कम इस साइड के बाकी 12 पंचायतों के कम से कम 300 लोग वहाँ फंसे हुए थे। दूल्हा था, लोगों के शादी विवाह और जीने मरने के लिए लोग गए थे, 300 लोग उस साइड उस पंचायत में मचेल माता रानी की पंचायत में फंसे हुए थे, उन लोगों को भी आर्मी और पुलिस ने क्रॉस किया। मैं चाहता हूँ कि पुलिस जो है वो पब्लिक के साथ अच्छी डीलिंग करे और पब्लिक भी पुलिस के साथ अच्छी डीलिंग करे, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हमेशा जब हम इनके साथ देंगे और हमारे साथ देंगे, हम इनको ठीक मतलब इनको बोलते रहते हैं और इनसे हमारी बातचीत होती रहती है, ठीक, हम चोरों का साथ नहीं देंगे, गलत काम के लिए साथ नहीं देंगे, लेकिन अब किसी बेगुनाह आदमी को छानबीन करने के अलावा अगर आप उन पर अत्याचार करते हैं, तो हमने इनके कहा भाई साहब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कई पुलिस यहाँ पोस्टें थी वो क्लोज की हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि यहाँ हमें ज़रूरत है, जैसे गर्मियों में धोक में बहुत सारी चीज़ें होती है, माल मवेशी हमारी चली जाती है, उसका कम से कम ध्यान रहे। और बाकी मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ थे आज इस थाना दिवस में, सब ने अपने अच्छे अच्छे विचार रखे। इस बीच में एक जो यहाँ 2 हिस्कंडियाँ हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह थे उनसे मुलाकात भी हुई, उनने मुझे विश्वासन भी दिया, उन्होंने मुझे 9 मई को बोला था, लेकिन अफसोस है कि 9 मई के बजाय आज 26 मई हो गए। फिर सीओ साहब ने मुझसे वादा किया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीटिंग में, मैंने टेबल बजा के बोला था, उनने कहा 15 मई तक आप इंतज़ार कीजिए, 15 मई भी चला गया, 9 मई भी चला गया। मुझे लगता है कि इनको या तो हमें सीधा करना पड़ेगा या पब्लिक को हमें उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों का खेल खराब होते हुए देख नहीं सकते हैं। हम हाथी से समझौता कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से हम समझौता नहीं करते हैं। 2 साल हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ऐसे भी कोविड के टाइम में पीछे चला गया है। आज मेरा जो नन्ना मुन्ना बच्चा जो 2री-3री में पढ़ता है, वो आई पढ़ता है, ABC पढ़ता है, वो बिल्कुल भूल गया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोविड ख़त्म होने के बाद भी इन्होंने यहाँ एजुकेशन का कोविड बना के रखा है। मैं जैसे JDO साहब से प्रार्थना करता हूँ, कई स्कूल यहाँ गवर्नमेंट की प्लानिंग से क्लोज हो गए हैं, कहीं 2 बच्चे थे, 3 हैं, ठीक है, उसमें हमें बड़ी खुशी है, लेकिन वहाँ के टीचर इन्होंने कहाँ रखे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कहते हैं, वो कहावत है, सीधी अंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें अंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, जब हम मैदान में कूद पड़ेंगे फिर ना हमें कोई रोक पाएगा ना हम मानने वाले हैं। आदाब सर।